अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे चिकन का सूप, जिसके लिए हमने 100 ग्राम चिकन को साफ़ धो के इसे साफ़ धो दिया है। हमने इसमें वेनेगर डाल के इसे धोया है। तो ये 100 ग्राम हमने चिकन लिया है, हड्डियों के साथ ही लिया है हमने। और फ्रेश अदरक लहसुन लगेगा हमें, 2 से 3 4 कलियाँ लहसुन के और 2 टुकड़े अदरक के लिए, और 1 बड़ी प्याज लगेगी हमें। इसे हमने मोटा मोटा रफली रहने दिया है, क्योंकि इसे हम गलने के बाद इससे मिक्सर में पीसने वाले हैं। और चिकन स्टॉक का हम 1 पीस डालेंगे सिर्फ। तो आपके पास अगर ये ना भी हो तो आप इस तरह के 1 चिकन स्टॉक डालेंगे हम। तो सब चलिए, फिर सबसे पहले हम कुकर में चिकन डालेंगे। ये हमने अदरक लहसुन जो रखा था उसे मोटा मोटा रफली कुट लिया, और ये प्याज और ये चिकन स्टॉक इसमें हम डाल देंगे इसी तरह। और 1 टेबल स्पून हम इसमें मीठा तेल डालेंगे, बस 1 टेबल स्पून मीठा तेल डाल रहे हैं इसमें। और बिल्कुल 1/2 टीस्पून नमक डाल रहे हैं, क्योंकि ये चिकन स्टॉक में भी नमक होता है। अगर हमें कम लगा तो हम बाद में भी डाल के पी सकते हैं ऊपर से, तो इसलिए हम इसमें कम डाल रहे हैं। और बस चुटकी भर हल्दी पाउडर डालेंगे, बस चुटकी भर। इसमें 4 से 5 लोग, ये सूप 4 से 5 लोगों को काफ़ी है। बाकी की चीज़ें हम आपको बाद में बता दें। तो चलिए इसे गैस को ऑन करके हम 1-2 से 3 सीटी होने तक इसे गलने देंगे, यानी कि 6-7 मिनट गलने देंगे इसे। हमने चिकन को कुकर में जो उबाल दिया था उसे इस तरह से हमने धसियाँ कर, इस तरह से अलग अलग रेशे से इस तरह अलग अलग इसके छोटे छोटे पीस कर दिए हमने इस तरह से। पहले हमने सबसे पहले चिकन से उसके शोरबे को, उसके सूप को हमने अलग से निकाल दिया था। चिकन को फिर अलग से निकाल के उसे हमने इस तरह बारीक क्यूब्स में इसको छोटे छोटे टुकड़े करके रखा हमने। और हम इसमें कॉर्न भी डाल रहे हैं, तो हमने 3 टेबल स्पून स्वीट कॉर्न लिया है। और गार्निशिंग के लिए हरी प्याज, और हमने सादा फ्लावर 1 टेबल स्पून लिया है, और कॉर्न फ्लावर हमने 1.5 टेबल स्पून लिया है, जो हम बाद में सूप में डालेंगे। और बघार के लिए हमें लहसुन की 2 कलियाँ लगेंगी, और गार्निशिंग के लिए हमें काला नमक और काली मिर्ची लगेगी। हमने लहसुन लगेगा बघार के लिए, और गार्निशिंग हम सूप बने बाद उसमें काली मिर्ची और नमक डालेंगे, और सोया सॉस और वेनेगर हम बाद में डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम उसे सूप को लहसुन से बघारेंगे। बघार के लिए हमें लहसुन लगेगा, और 1 अंडा भी लगेगा हमें, जो हम इसमें सूप में बाद में फेंट के डालेंगे। तो चलिए अब हम इसे लहसुन से बघारते हैं। सबसे पहले हम इसमें, तो चलिए सबसे पहले हम इसमें बिल्कुल 1 टीस्पून उतना तेल डालेंगे, 1 से 1.5 टीस्पून तेल। उसके बाद हम ये जो लहसुन रखा था इसे बारीक चॉप करके डालेंगे, बिल्कुल बारीक। इसे थोड़ा हल्का सा
गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करेंगे। ये सूप बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा और जल्दी बन जाता है। आप अगर चिकन स्टॉक आपके पास ना भी हो तो आप सिर्फ चिकन से भी बना सकते हैं, और जो बहनें चिकन नहीं खाती वो बिना चिकन के इसमें लहसुन और प्याज उबलने में खाली उबाल देना, हल्दी नमक डाल के और कॉर्न को मिक्सर में घुमा के उससे भी बना सकते हैं आप बिना चिकन के। कॉर्न के दानों को मिक्सर में घुमा के फिर उसमें एक अंडा डाल के बना सकते हैं, और अगर अंडा नहीं डालना चाहते तो आप अंडा नहीं भी डाल सकते, तो आप चिकन के बदले सोयाबीन भी ले सकते हैं, सोयाबीन जो जिसे भिगा कर उसे मिक्सर में घुमा देना और फिर चिकन के बदले वो डाल देना। जो बहनें अगर चिकन नहीं खाती, तब हमारा लहसुन गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब उसमें हम ये जो शेरवा रखे थे सबसे पहले वो डाल देंगे। हमने चिकन को बॉईल होने के बाद चिकन को अलग निकाल कर उसके शोरवे को मिक्सर के एक जार में अलग से प्याज वो जो मोटी मोटी थी उसमें उसे पीस लिया था। तो आप कभी भी याद रखें चिकन पहले निकाल देना, जब जिस बर्तन में भी कुकर में या भगोने में गला रहे हैं तो चिकन निकाल के इसके शेरवे को मिक्सर में पीस लें, या हैंड ग्राइंडर भी कर सकते हैं आप, तो मिक्सर के जार में से पीस लें। फिर इसमें हम एक अंडा फेंट के डाल लेंगे, जब ये औटना शुरू होगा तब इसमें हम अंडा डाल लेंगे। अंडे को हम हल्का सा तरफ ली इस तरह से तरफ ली फेंटना है हमें। जब हमारा ये शेरवा अच्छे से उबलेगा तब इसमें हम ये अंडा डाल देंगे। आप चाहे तो आपकी पसंद की कोई भी सब्जी भी इसमें डाल सकते हैं, चाहे तो आप पत्ता गोभी भी बारीक चॉप करके डाल सकते हैं, या फिर आप जो भी सब्जी आपको पसंद है हरा धनिया हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, अगर आपको तेज़ पसंद है तो आप हरी मिर्ची भी बारीक काट के डाल सकते हैं। तो चलिए अब हमारा पानी अच्छे से बॉयल हो रहा है, इसमें हम ये अंडा डाल देंगे। इसे ज़रूर आप घर में ट्राई करें, हमारे पास ये सबको बहुत पसंद आता है, इंशाल्लाह आपके पास भी सबको ज़रूर पसंद आएगा। इस तरह से इसे अभी हिलाना नहीं है हमें, बस आधा मिनट तक उसे इस तरह ही ऐसे ही होने देना है। अगर हम डालते ही फौरी हिला दें तो उसमें अंडे की बू बिसांदी बू आती है, तो इसलिए हम इसे फौरी नहीं हिलाएंगे, थोड़ी देर के बाद हिलाएंगे इस तरह से, वरना फिर वो अंडा इसमें हमें इस तरह से बड़े बड़े पीस जाएंगे। अगर हम फौरी हिला दें तो अंडा बारीक हो जाएगा और सूप में उसके अंडे की बू अच्छी नहीं आएगी। इस तरह से हमारा अच्छे से उबल चुका है, अब इसमें हम पानी और कॉर्नफ्लावर डालें।
एक कप से दो कप पानी डाला है इसमें हमने। फिर हम कॉर्नफ्लावर आटा डाले बाद अगर हमें लगेगा तो फिर हम और डालेंगे, क्योंकि हम ये 4 से 5 लोगों के हिसाब से बना रहे हैं। कम से कम इसमें 4 से 5 बॉल इतना सूप बनना चाहिए, तो उसके हिसाब से हम इसमें कॉर्नफ्लावर और आटे की क्वांटिटी की कम ज़्यादा डाल सकते हैं। बस हमें ये बहुत ज़्यादा ठीक नहीं चाहिए, सूप हमेशा थोड़ा पतला ही अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। इसके बाद ये हमने जो स्वीट कॉर्न रखे थे वो डाल देंगे और थोड़े से गार्निशिंग को रखेंगे हम। कॉर्नफ्लावर हम अभी 1 टीस्पून ही ले रहे हैं, 1 से 1.5 टीस्पून अगर हमें लगेगा तो हम और डालेंगे, क्योंकि हम इसमें सादा फ्लावर भी डाल रहे हैं। तो आप कभी भी याद रखें, सूप बनाना हो तो पहले इसमें थोड़ा कम डालना कॉर्नफ्लावर, और अगर आपको लगे कि सूप पतला हो गया तो फिर आप और डाल सकते बाद में, लेकिन एकदम भूसा नहीं डालना, एक साथ ज़्यादा डालने से गाढ़ा हो जाता सूप। सबसे पहले हम इसमें चिकन डालेंगे, चिकन जो रखे थे हमने ये डाल देंगे इसमें, और थोड़ा हम गार्निशिंग के लिए रख रहे हैं। ये जो कॉर्नफ्लावर रखा हमने ये 1.5 टीस्पून डाला हमने इसमें भी, और ये जो सादा फ्लावर रखा था हमने इसको भी हमने अच्छे से पानी डाल के मिक्स कर दिया है। ये हमने 1 टेबल स्पून लिया है, ये हम पूरा डाल देंगे। इसके बाद अगर हमें और ज़रूरत पड़ी तो हम और कॉर्नफ्लावर डाल देंगे। इसे अच्छे से ओंटने देंगे, हमें पतला लग रहा है, हम और जो बाकी का बचाए थे हमने कॉर्नफ्लावर वो और डाल देंगे हम। ये जो बाकी का बचा था वो भी कॉर्नफ्लावर डाल दे रहे हैं, तो टोटल हमने 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, 1 टेबल स्पून सादा आटा डाला है। और पानी हमने 1/2 लीटर उतना लिया था, गलने में भी डाला था हमने, और अभी भी हमने 2 से 3 कप पानी डाला। अब हम इसे चख लेंगे, नमक हमको थोड़ा कम लग रहा है इसमें, हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, फिर बाद में आप आपके हिसाब से और कम ज़्यादा डाल सकते हैं। हमें सूप हमारा थोड़ा पतला लग रहा है, हम इसमें और 1 चम्मच सादा आटा मिलाएंगे।
हमने और एक टेबल स्पून सादा फ्लावर लिया है। अब इसमें हम और एक चम्मच आटा डाल देंगे और थोड़ा सा और पानी डाल देंगे। तो टोटल बहनों हमने इसमें 2 टेबलस्पून, 1.5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और 2 टेबलस्पून सादा फ्लावर डाला है। तो ये 5 बॉल इतना बना हमारा, ये 4-5 लोग पिए जैसा। तो बस अभी से हम एक और उबाल आने तक पकने देंगे, फिर इसे हम एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। तो चलिए अब हम, ये हमारा सूप हो चुका है तैयार, इसे अब हम बंद कर देंगे गैस। लीजिए ये हमारा सूप तैयार है, इसे अब हम ये प्याज की पत्ती और ये जो चिकन रखा था हमने, इससे गार्निशिंग करेंगे। और ये कॉर्न रखे थे हमने, ये भी अच्छे से डाल देंगे इसमें इस तरह से। बहनों हम 1 चम्मच, फिर 1 से 2 ड्रॉप सोया सॉस, बिल्कुल आधा टीस्पून हमने सोया सॉस लिया है और 1 टेबलस्पून हमने वेनेगर मिला देंगे। तो आप याद रखें, आप जब भी खाना है आपको तभी इसमें सोया सॉस और वेनेगर डालें। तो हम इस तरह से इसमें सोया सॉस डाल देंगे। और ये नमक, और इस पे इस तरह से हम काली मिर्ची भुरभुरा दें। याद रखें, आप जब भी आप सूप पीने, जब आपको पीना है तभी आप इसमें, जब सर्व करने वाले हैं तभी इसमें आप काली मिर्ची और नमक डालें। तो लीजिए बहनों, ये हमारा गर्मा गर्म कॉर्न चिकन सूप तैयार है। तो आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं कैसे बना था। इसे हम गर्म गर्म ही सर्व करें। लीजिए बहनों, हमारा सूप तैयार है।